पर आने के लिए स्वच्छता शंखनाद रैली का आयोजन किया और उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना मौजूद रहे। इनसे हमारे संवाददाता जयवीर मावी ने बात की। गाजियाबाद पहुंचे प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो स्वच्छता रैली को लेकर के यहां स्वच्छता कार्यक्रम में पहुंचे हैं। बात करेंगे सुरेश खन्ना जी से कि आज जो कार्यक्रम है स्वच्छता रैली को लेकर, सर आज स्वच्छता रैली में आप आए हैं, क्या कहेंगे स्वच्छता रैली को लेकर? स्वच्छता के माध्यम से, इस रैली के माध्यम से एक गाजियाबाद में माहौल, एक वातावरण, एक एटमोसफियर क्रिएट करने की एक शुरुआत है कि हम पूरी तरीके से सभी लोगों को आत्मसात करके। सर क्या उद्देश्य स्वच्छता में, किस नंबर पर चाहते हैं गाजियाबाद? गाजियाबाद महापौर जी ने बताया कि एक नंबर चाहते हैं, हम उससे एग्री करते हैं। सर सिंगल प्लास्टिक यूज की बात करते हैं तो उसको रोकथाम को लेकर के क्या योजना है? देखिए रोकथाम के लिए एक जन जागरण अभियान भी चलाया जा रहा है, लोगों को इसमें मोटिवेट किया जा रहा है, साथ ही साथ उसके ऊपर फाइन भी किया जा रहा है। और हर हालत में हमारी कोशिश यह है कि हम इस अभियान को हम आगे बढ़ाएं। आखिरी सवाल, बच्चे आए हैं, 150 स्कूल हैं, उन बच्चों के लिए क्या संदेश? उन बच्चों के लिए एक संदेश यह है कि वो अपने घर में, अपने घर के बाहर, स्कूल में, अपनी गली में, जहां कहीं रहें, स्वच्छता अभियान को याद रखें और इस बात के लिए लगातार प्रयास करें कि हम जो भी कंज्यूम चीज़ें करते हैं रोज, चाहे केला, सिंघाड़ा, मूंगफली, उसके छिकले, टॉफी, बिस्कुट, चॉकलेट, उसका रैपर हम ज़मीन पर ना फेंकें, जब डस्टबिन आए तब फेंकें, और किसी भी तरीके से हम अपने घर के अंदर, घर के बाहर सफाई को बढ़ावा दें। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना जी, जिन्होंने बताया कि जो स्वच्छता अभियान को लेकर के जो तमाम प्रयास थे, जो तमाम कार्रवाई थी, तमाम तरह के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनको लेकर के पूरी तरह जागरूक हैं। वहीं बच्चों को भी इन्होंने जागरूक करते हुए बताया कि जो प्लास्टिक की जो ऐसी चीज़ें हैं, जो सिंगल यूज़ की जो चीज़ें हैं उनको प्रयोग करें और प्लास्टिक के प्रयोग से बचें। के न्यूज़ के लिए गाजियाबाद से जयवीर मावी।